सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। अभी हम लोग सेशन नंबर 5 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, पाठ 10 क्रिया। सबसे पहले प्यारे बच्चों की क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, बोलना, पढ़ना, रोना, खेलना इत्यादि सारे के सारे क्रिया शब्द हैं। क्रिया के बाद आपको धातु आता है कि धातु किसे कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे हंस में ना जोड़ेंगे तो हंसना हो जाएगा, पढ़ में ना जोड़ेंगे तो पढ़ना हो जाएगा, लिख में ना जोड़ेंगे तो लिखना हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। अब जो हम लोग कहते हैं कि संसार में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे कुछ न कुछ कार्य करते हैं। कार्य मीन्स होता है काम करना, काम करते हैं। यहां तक कि प्रकृति भी निरंतर कार्य करती रहती है। चलते रहना ही प्रकृति का नियम है, हमेशा चलते रहो, चलते रहना ही प्रकृति का नियम है। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य का उगना, अस्त होना, सूरज यानी उग रहा है, नदी बह रही है, वर्षा हो रही है, शेर शिकार कर रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, कोयल कूकती है, इत्यादि शब्द देते हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो हैं, वे किसी न किसी कार्य के होने या करने का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द क्रियाएं हैं। तो हम इससे स्पष्ट हो गया कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का है तो क्रिया के कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक इन क्रियाओं का फल वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अमित पुस्तक पढ़ता है, तो क्रमशः पुस्तक खाना पर पढ़ रहा है अमित, तो अमित पुस्तक पढ़ रहा है। माँ क्या कर कैसे दे सकते कि अमित क्या पढ़ता है, माँ क्या बना रही है, नहीं होती है। जैसे अमन उठकर